फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करूंगा आपके साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रिजल्ट एनालिसिस की। अब बात ये आती है कि रिजल्ट एनालिसिस करें किस एंगल से, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर तो लॉकडाउन में था, तो अगर जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे वो आपको सब बेहतर नज़र आएगी। तो ईयर ऑन ईयर में तो आपको बेहतर नज़र आना है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर करेंगे तो फिर सीजनलिटी आ जाती है। तो यहाँ पर रिजल्ट को हम दोनों एंगल से ही जो है कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेट तो ऑलरेडी हो चुका है, सॉरी, उसके लिए मतलब उसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने सेगमेंट खोल लिया इनका। सेगमेंट एनालिसिस जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके रिजल्ट को आप जब समझेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट हुआ, तो पहले उनके सेगमेंट को समझ लीजिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहला सेगमेंट है ओ टू सी, ऑयल टू केमिकल बिजनेस, जिसके ऊपर कंपनी की आधारशिला रखी गई थी। हालांकि अब भी ये मेजर कंट्रीब्यूटर है रेवेन्यूज़ के अंदर अगर हम बात करें तो रेवेन्यूज़ देखिएगा, 1,01,000 करोड़ के जो रेवेन्यूज़ थे वो इन्होंने पिछले क्वार्टर में जनरेट किए थे, उसके मुकाबले में 1,03,000। तो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े, केमिकल्स के प्राइस बढ़े, उसका इम्पैक्ट जो है इस क्वार्टर में देखने के लिए मिला। ऑयल एंड गैस, तो जो गैस वाला बिजनेस है वो 848 करोड़ से बढ़ के 1,281, यानी कि दोनों जगह परफॉर्मेंस अभी तक रेवेन्यू फ्रंट पे बहुत ही बढ़िया आई है। रिटेल के बिजनेस में आप देखिएगा, 47,085 के रेवेन्यूज थे, वो रेवेन्यूज यहाँ पे घटते हुए नजर आए। और जो पिछले साल लॉकडाउन था वहाँ पर 31,000 था, तो उसके मुकाबले में 38 आ गए, तो वहाँ पर फिर भी कंफर्टेबल है। लेकिन रिटेल के रेवेन्यूज कंपेरेटिवली नहीं बढ़े हैं, और वास्तव में जियो मार्ट के माध्यम से भी जो ये माल बेच रहे हैं उसके बावजूद भी आप देखिएगा रिटेल की परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं हुई है। डिजिटल सर्विस मेरा सबसे पसंदीदा रिलायंस के पोर्टफोलियो में सेक्टर, तो वो 22 से 23,403 है, तो मेजर कोई इम्पैक्ट नहीं है, करीबन 1,000 करोड़ की रेवेन्यूज बढ़े हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज ये भी मेरा पसंदीदा है क्योंकि रिलायंस इसमें बहुत बड़ा गजब करने वाला है आगे फ्यूचर में चल के। मुझे इस सेक्टर से काफ़ी बड़ी उम्मीद है, जो डिजिटल, फाइनेंशियल सर्विसेज और रिटेल, ये तीनों सेक्टर बहुत बड़ा कमाल आगे चल के फ्यूचर में करते हुए नजर आएंगे। और बाकी मिसलेनियस बिजनेस में भी 20,000 के सामने 12,100, कुल मिलाकर बिजनेस की परफॉर्मेंस आपको क्वार्टर बेसिस पे डिटोरिएट होती हुई नज़र आ रही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस में परफॉर्मेंस आपको ठीक लगेगी। इन सभी सेगमेंट के बाद अब प्रॉफिट कितना आया, तो देखिएगा, जब 11,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था इन्होंने ऑयल टू केमिकल्स के अंदर, वो 12,231 से फंटास्टिक, और करीबन करीबन 8% के आसपास का जो है ग्रोथ है इसके अंदर। ऑयल एंड गैस के अंदर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया, करीबन 80% से ज़्यादा का प्रॉफिट इन्होंने जंप किया है। रिटेल के अंदर देखिएगा, 3,623 से 1,953, ये जो सेक्टर है ये डिसअपॉइंटिंग सेक्टर अभी भी नज़र आ रहा है। डिजिटल सर्विसेज 8,945 से बेहतरीन परफॉर्मेंस 9,268, और देखिएगा डिजिटल सर्विसेज के अंदर जो जियो प्लेटफॉर्म है वो भी उसके अंदर इंक्लूड है। रिटेल का भी एक बिजनेस जियो के माध्यम से होता है, जियो मार्ट के माध्यम से, और जो जियो का नेटवर्क वाला बिजनेस है डिजिटल वाला वो अच्छा कर रहा है। जियो फाइबर जिस तरीके से पैर पसार रहा है वहाँ पे भी हमें काफ़ी उम्मीद है। और फाइनेंशियल सर्विसेज 144 से 132, प्रॉफिट बेशक से घटा है लेकिन ये सेक्टर जो है मुझे पसंदीदा लगता है, क्योंकि जो जियो का पेमेंट बैंक है वो काफ़ी कुछ कमाल करने वाला, और जिस तरीके से आईपीओ के अंदर इस तरीके के जो न्यू इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो अगर आप फ्यूचर में चल के देखेंगे तो रिलायंस शायद इसमें एक अच्छा कमाल करता हुआ नज़र आएगा। ये डिजिटल सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस और रिटेल, और मुझे ऐसा लगता है कि ओ टू सी बिजनेस को जब ये सेल कर देंगे अरामको को, जहाँ पे जिस दिन ये डील फाइनल होगी, वो जो फंड्स इनके पास आएंगे वो फंड्स जो है इनके बिजनेस के एक्सपेंशन में जबरदस्त तरीके से, जो डिजिटल बिजनेस है, फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस है और रिटेल बिजनेस है, इसी के अंदर लगने वाला है। और जब आप देखेंगे कि शेयर्स की री रेटिंग होती हुई नज़र आएगी, और अगर ये फिर उसके बाद इन बिजनेसेस को बड़ा करके आगे चल के, हो सकता है कि कोई आज से 5 या 7 साल बाद एक होल्डिंग कंपनी खड़ी कर दे और इन सब को एक तरीके से जो डिवीजन के तहत जो है बांटता हुआ नज़र आए। तो यहाँ पर ईबिटा मार्जिन्स बहुत बढ़िया हैं। ईबिट की बात करें तो ईबिट भी जो है कंफर्टेबल है, वो सिमिलर लाइंस के हिसाब से हैं। अब यहाँ पर अगर हम पूरे ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें रिलायंस के, तो अब आपको चीज़ समझ में आएगी। कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखिएगा, 1,00,000 करोड़ के सामने 1,58,000 करोड़ में आप चले गए। 1,72,000 से पिछले साल जो मार्च का क्वार्टर था, इसी साल में, सॉरी, मार्च का क्वार्टर था, उससे आप 1,72,000 से 1,58,000, यानी कि परफॉर्मेंस, क्योंकि महाराष्ट्र में भी
आपको पता है पार्शियल लॉकडाउन था, तो उसका असर जो है यहाँ पे साफ साफ देखा जा सकता है। तो जो नेट रिकवरीज हैं और नेट रेवेन्यूज हैं वो भी करीबन करीबन 5% डिक्लाइन करते हुए नजर आए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई क्योंकि मटेरियल की कीमत बढ़ गई थी, क्रूड ऑयल के प्राइस भी बढ़ गए थे तो O2C में। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो कम मात्रा में माल खरीदा, हालांकि इन्वेंट्रीज काफ़ी बढ़ गई है इनकी, तो इन्वेंट्रीज इन्होंने बढ़ा ली है, तो वो जो प्रोडक्शन हुआ वो शायद अगले इस क्वार्टर के अंदर आपको फ़ायदा करता हुआ नजर आए। एक्साइज ड्यूटी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसिस 4 to 5 7, तो जो 3976 के थे वो बढ़ते हुए नजर आए 4 to 5 7, लेकिन कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है 31 मार्च के क्वार्टर से देखे तो। फाइनेंस कॉस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई, यानी कि जो डिवेंचर्स हैं, जो लोन्स हैं, उसको कंपनी ने बोला ही था कि हम धीरे धीरे करके कम करते जाएंगे, और राइट इशू का जो पैसा है वो भी इसी काम के लिए वो यूटिलाइज़ करेंगे। डेप्रिशन अमोटाइशन जो है मोर और लेस सेम है। अदर एक्सपेंसेस जो है करीबन 7.5% के आसपास बढ़े। तो इन सब फिगर्स के साथ अगर हम बात करें कि भाई प्रॉफिट कितना आया, तो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के मुकाबले में जो है करीबन करीबन 10% के आसपास बढ़ता हुआ नज़र आया है। लेकिन आप EPS के फ्रंट पे देखेंगे तो EPS आपको बढ़ता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि नई इक्विटी जो है इस साल में जो है डाली गई जो राइट इशू के माध्यम से। तो उसके बाद अगर हम EPS की बात करें कि EPS पे क्या इम्पैक्ट हुआ, तो EPS जो 20 रुपये 52 पैसे का था आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम, वो 18 रुपये 96 पैसे हो गया। इसी तरीके से जो EPS है बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 19.29, वो भी घटता हुआ नज़र आया 18.96, और अगर आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम देखेंगे तो भी जो है घटते हुए नज़र आए हैं। शेयर कैपिटल जो 6445 करोड़ की, तो 6650 करोड़ की हो गई है, जिसकी वजह से आपको ये इक्विटी का थोड़ा सा डाइल्यूशन नज़र आएगा। तो कुल मिला के अदर इक्विटी एक्सक्लूडिंग रिवोल्यूशन जो 693727 है। तो अभी भी देखिएगा प्राइस टू बुक वैल्यू, रिलायंस का शेयर अभी आपको करीबन 2 की प्राइस टू बुक वैल्यू पर उपलब्ध है। तो इस तरीके से अगर हम वैल्यूशंस देखें तो इस बिज़नेस में मुझे अभी भी अपार संभावनाएं नज़र आती हैं। रिजल्ट्स अभी इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं O2C बिज़नेस के अंदर, और जिसकी वजह से जो जियो के अंदर भी ये बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर चुके हैं, और प्राइस ऐसे रखे हुए हैं कि जो कि अफोर्डेबल है, और आज भी भारतीय एयरटेल को जबरदस्त तरीके से टक्कर जियो प्लेटफॉर्म दे रहा है, और जिस तरीके से मार्केट शेयर इकट्ठा कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा डेटाबेस जो है तैयार कर रहे हैं। मुझे अभी भी रिलायंस में से ऐसा लग रहा है कि आप इस रिजल्ट से ज़्यादा इनके भविष्य के ऊपर, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्होंने काम करना है, जो रिटेल में इन्होंने काम करना है, और जिस तरीके से फाइनेंशियल सर्विसेज में लोग अभी सोचते होंगे कि ये कुछ बड़ा तो इनका कोई नाम नहीं है, लेकिन जिन जो लाइसेंस ये लेके बैठे हुए हैं, जो परमिशंस इन्होंने सरकारों से ले रखी हैं, उसमें जब ये जियो प्लेटफॉर्म के साथ साथ जो मुझे लगता है बड़ा धमाका जो है ये करते हुए नज़र आएंगे आगे चल के। अभी इनका मेन फोकस O2C को सेल करने पे है। O2C से ये कैश को जो है मोनेटाइज करेंगे, और जिस दिन कैश इनके हाथ में आ गया, आप देखेंगे कि रिलायंस के अंदर एक जबरदस्त वैल्यू अनलॉकिंग आपको नज़र आएगी। तो ये था मेरा रिलायंस पे एनालिसिस, और मैं केवल यही कहूँगा कि जिनके पास भी अभी रिलायंस है बने रहिएगा, अगर कल बाज़ार में गिरावट होती है किसी कारण से तो रिलायंस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। अगर 2000 या 2000 के नीचे अगर रिलायंस का शेयर जाता है किसी भी कारण से, क्योंकि मार्केट को शायद रिजल्ट इतने पसंद ना आए, लेकिन जिनको भी भविष्य के अंदर निवेश करना है और भविष्य में इन्वेस्टेड रहना, मुझे लगता है कि रिलायंस अभी भी एक कॉफी कैन पोर्टफोलियो शेयर जो है बनता हुआ नज़र आएगा, और आगे चल के भी मुझे लगता है कि इस बिज़नेस में बहुत अपार संभावनाएं हैं। और अभी लोग जो है केवल इसको O2C कंपनी समझ रहे हैं या जियो प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जियो के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिटेल है, रिटेल का जो बिज़नेस है उसमें जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर करेंगे, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में, वो काफ़ी बड़ा जो है प्ले आगे चल के होने वाला है। तो मैं अपनी चर्चा यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।